हेलो गाइस, नमस्ते। रोशनी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी। तो सबसे पहले रिफाइंड ऑयल उधर गरम करेंगे और इधर तेल, एक चम्मच इधर तेल डालेंगे। उसमें डालेंगे राई, सरसों, मूँगफली, बारीक कटे अदरक। मूँगफली को मैं पहले से रोस्ट करके रख ली थी। और इसमें डालेंगे एक चम्मच जितना खड़ा धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सबको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और आधा चम्मच गरम मसाला भी डाली हूँ मैं। हाँ, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो आलू है, उबला हुआ आलू है, इसको अच्छे से ग्रेट करके डालेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डाल के सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हमारा ब्रेड पकौड़े का स्टफिंग का मसाला जो है वो रेडी हो गया है। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो गरम मसाला डाले हैं ना, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा बदल जाता है। और एक कटोरी मैं आटा ली हूँ, बेसन का आटा है ये। इसमें एक चुटकी जितना खाने का सोडा डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अब सभी को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना हमको ब्रेड पकौड़े का कंसिस्टेंसी चाहिए उतना ही इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करिएगा, एकदम से ज़्यादा पानी मत डालिएगा। और इस तरीका का जो चम्मच है ना, मैगी खाने का, चाउमीन खाने का, इसी चम्मच से मिक्स करेंगे ना, तो बेसन में क्या है, कोई भी प्रकार का गुठली ये सब नहीं रहेगा, आटा चिपका चिपका नहीं रहेगा, एकदम फाइन पेस्ट बनेगा। और ये जो ब्रेड है ना, इसको बीच से कट करेंगे। आप चाहे तो मतलब फुल ब्रेड में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तलने के लिए और हमको वो होटल वाला वो देना है, लुक देना है। तो बीच से उसको कट करेंगे और बीच में ना आलू को ऐसे लगाएंगे अच्छे से। और मार्केट के में वैसे भी थोड़ा कम ही मसाला लगा रहता है, लेकिन ये घर का है तो घर का खाना तो स्पेशल होता ही है। तो जितना आपको मन करे आलू भर भर के बनाइए। और अगर मेरे चैनल में आप नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए, ये जो मसाला रेडी रखे थे ना, उसको बेसन में लपेटेंगे, डुबाएंगे और उसको तेल में डाल देंगे। तेल भी हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ मैं चार चार पीस करके तल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बन रहा है। जैसे कि मैं बताई, घर का है तो घर का खाना तो सबसे बेस्ट होता है जो भी बने। तो आप भी बनाइए, ऐसा इंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी। बच्चे ना खुश हो जाएंगे। आप बनाइए, ये देखिए कितना क्रंची, अंदर से सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। और ये जो बाकी का ब्रेड बचा है ना, बाकी का मसाला, उसको भी अच्छे से लगाएंगे ब्रेड में। और सेम उसको भी बेसन में डुबाते जाएंगे और तेल में फ्राई करेंगे। और ये खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है। ये खा के ना मेरे को अपने बचपन की याद आ जाती है। जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो ज़्यादातर यही खाते थे रास्ते में या टिफ़िन में। किन किन ने बचपन में खूब खाया टिफ़िन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो खाती भी बहुत थी और बहुत टेस्टी भी लगता था। तो ये देखिए, हमारा ब्रेड पकौड़ा है वो फ्राई होके बन के एकदम रेडी हो गया है। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए, बाहर से एकदम क्रंची, अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है ये। इसको मैं टमाटर सॉस और प्याज के साथ खा रही हूँ। अगर आप चाहें तो हरी वाली